हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने आप रेडमी के मोबाइल में एमआई या 12 पे अपना डाटा लिमिट सेट कर सकते हो। बेसिकली मैं दोनों फ़ोन आपको डिस्प्ले पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक फ़ोन में एमआई या 11 है और एक में एमआई या 12 है, तो दोनों फ़ोन में आपको दिखाऊंगा। पहले तो एमआई या 11 में बहुत ही आसानी से आप सेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है 12 में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको दोनों फ़ोन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना है कि आपके मोबाइल में एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन मिलेगा, एमआई की तरफ से मिलता है, तो आपको दोनों मोबाइल में जो मैं ओपन कर लेता हूं, आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे इसमें आपको कहां पे कौन सा सेटिंग्स मिलता है। तो मैंने दोनों फ़ोन में सिक्योरिटी वाला एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब यहां पे स्क्रॉल करूंगा मैं यहां पे दोनों फ़ोन में, और यहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है डाटा यूजेज का, तो मैं दोनों फ़ोन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, अब मैंने दोनों फ़ोन पे क्लिक कर लिया, तो एक एमआई 12 है जिसपे कुछ स्टेप से देखने को मिल रहा है और एक एमआई 11 है जिसमें कुछ स्टेप से देखने को मिला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर सेटिंग्स दोनों फ़ोन में, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ सेटिंग्स पर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कुछ अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। एम आई वाई 11 में कुछ अलग है और एम आई वाई 12 में कुछ अलग है। यहाँ पे देखिए, दोनों फ़ोन में दो दो सिम कार्ड लगा हुआ है, एक में जियो है और एक में एयरटेल है फर्स्ट वाले सिम में। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाला जो है एम आई वाई 11 में, उसमें चार ऑप्शन मिल रहे हैं और एम आई वाई 12 में दो ही ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाता है कि यहाँ पे मंथली डाटा तो आप सेट कर सकते हो अपने एम आई 12 में, लेकिन 11 में आप मंथली भी सेट कर सकते हो और डेली का भी सेट कर सकते हो। डेली सेट करने के लिए आप इंटर डाटा यूजेज पे क्लिक करते हो। अगर एम आई 11 है आपके पास तो इंटर डाटा यूजेज का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना एम जितना सेट करना चाहते हो उतना सेट कर सकते हो, जिससे कि उतना एम अगर आपका वहाँ पर जो है ख़त्म होता है तो आपको वार्निंग भी दे दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पर जो टर्न ऑफ का ऑप्शन सेट करते हो तो आपके मोबाइल में डाटा जो रहता है उसको ऑफ भी कर देता है, अगर आप डेली डाटा यूज वहाँ पे लिमिट लगाते हो तो। लेकिन वही सेटिंग्स एमआई 12 में है ही नहीं, तो आप इसको कैसे यूज करना है, तो चलिए इसका आप काम खत्म है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ध्यान ये देना है फ्रेंड्स कि अगर आप अपने मोबाइल में डाटा यूजेज लगाना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एमआई 12 का नोटिफिकेशन भी कुछ अलग टाइप का है, तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया कि कैसे आप अपने एमआई 12 में जो है डाटा देख सकते हो कि कितना यूज हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो सीख पाओगे कि कैसे इस विंडो पे नोटिफिकेशन पे देख सकते हो। बेसिकली अभी मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स से आना है और सेटिंग्स में यहाँ पे जो है एमओए 11 में जो नोटिफिकेशन मिलता है कुछ स्टेप वाला नोटिफिकेशन सेट करना है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है डिस्प्ले का, डिस्प्ले पे क्लिक करना है। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से क्लिक करने के बाद में फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे एक बटन आपको मिलता है यूज न्यू कंट्रोल सेंटर का, तो इसको ऑफ कर देना है। जैसे आप ऑफ कर दोगे तो आपके फोन में ओल्ड वाला जो है इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है आपका कितना डाटा आज यूज हुआ है, टुडे कितना यूज हुआ है वो भी दिखाई दे देगा, और इस मंथ में कितना यूज हुआ है वो भी दिखाई दे देगा। तो यहाँ से आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, डेली डाटा लिमिट कैसे यूज कर सकते हो, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये सेटिंग्स कर लीजिएगा, इस टाइप का नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि नए वाले में ही देखूँ तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर के देखिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फिर से आपको सिक्योरिटी वाले एप्लीकेशन में आना है यहाँ पे डाटा यूजेज वाले सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, आप इसको सबसे पहले डाटा यूजेज को ऑन कर लीजिए और डाटा प्लान पे क्लिक करके आप यहाँ से मंथली डाटा इसको सेट कर सकते हो कि मैं मंथ में कितना मेरा डाटा खत्म होने वाला है, वो तो आप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अगर आप मंथ वाला नहीं, अगर आप चाहते हो डेली वाला, तो यहाँ पे डाटा यूजेज वार्निंग लेवल का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपके मोबाइल में कितना, अगर मतलब 50% वहाँ पर जो है ख़त्म हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, या यहाँ पे 60% या तो 80% जितना ख़त्म हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपके फ़ोन में इतना ख़त्म हो गया है। और उसके बाद भी अगर आप डाटा जैसे ही ऑन करने के लिए आते हो तो वहाँ पे देख भी सकते हो कि कितना MB आपका ख़त्म हुआ है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं होता कि आप डाटा लिमिट लगाए, वो भी डेली का। अगर आप मंथली लगाना चाहते हो तो मंथली के लिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है मंथली डाटा लिमिट, तो इस पर लगा करके आप अपना GB या तो MB जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन डेली के लिए कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं कि आप डेली वाला सेट करें, क्योंकि आप जब जब डाटा ऑन करने आएंगे तभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो है कितना आज का डाटा खत्म हो गया है, तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सेटिंग्स नहीं है एम आई 12 में जिससे आप डेली डाटा लिमिट लगा सकते हो, बेसिकली एम आई 11 में तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो बस मैं
इतना ही आपको समझाने वाला था, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जिसे आप वहाँ पे लगाए। ये कुछ सोच समझ के ही MIUI 12 में से ये हटाया गया है। तो आप अगर जैसे ही डाटा ऑन करने आते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मैं 500 MB यूज़ किया हूँ कि 700 MB यूज़ किया हूँ, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही था वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलता रहेगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।